हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू फिट एंड फाइन। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के 3 सम कर लिए थे, आज हम 4 सम कर रहे हैं। क्या? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000। हमें राउंड ऑफ करना है नंबर्स को और 10,000 के अकॉर्डिंग उनका आंसर निकालना है। हमें नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, हम उन्हें राउंड ऑफ करेंगे और 10,000 के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। फर्स्ट सम है 27900। आपको पता है 10,000 में कितनी जीरोज होती हैं? 4 जीरो। तो आप क्या करोगे, 4 डिजिट छोड़ के सर्कल कर दोगे फिफ्थ वाले को, और जो फिफ्थ डिजिट के साथ वाला डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आगे वाले डिजिट में 1 ऐड होगा या फिर वो एज इट इज रहेगा। अगर तो वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसमें आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो कुछ कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। इस सम में क्या है, जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा, 3। ये पीछे वाले सारे डिजिट क्या हो गए, 0। नेक्स्ट है 80901। 4 डिजिट छोड़ के हमने सर्कल किसको किया, फिफ्थ वाले को, वो क्या था, 8। अब जो 0 है वो क्या है, 5 से छोटा है, तो 8 की जगह क्या आएगा, 8, पीछे क्या आएंगी, 4 0। नेक्स्ट 46580। अब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट छोड़ के 4 को क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अब उसके साथ वाला डिजिट क्या है, 6 है, जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो 4 में भी क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, ये क्या बन गया, 5, तो पीछे वाले 4 डिजिट क्या हो गए, 0। नेक्स्ट 12550। 4 डिजिट छोड़ के 1 को क्या किया हमने, सर्कल कर लिया। जो हमारा 2 था वो क्या है, 5 से छोटा है, तो 1 की जगह क्या आएगा, 1, पीछे वाले 4 डिजिट क्या बन गए, 0। आई होप आपको 10,000 अच्छे से समझ आ गया है। फिफ्थ सम है आपका, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1,000 टू गेट 5,000। हमें क्या है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम 10,000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करें और आंसर की आना चाहिए 5,000। कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1,000 क्या आएगा, 4500। क्यों आया, अगर हम 4 को सर्कल करेंगे, जो 5 है, आपको क्या बताया था, 5 और 5 से बड़ा हो तो आगे वाले डिजिट में क्या होगा, 1 ऐड होगा। अब यहाँ पे 5 है तो 4 में 1 ऐड किया, यहाँ पे क्या बनेगा, 5, और पीछे वाले तीनों क्या बनेंगे, 0। ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 5,000, ये क्या आएगा, 5499। क्यों आया, अगर हम 5 को सर्कल करेंगे, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 5 से छोटा है, तो 5 की जगह क्या रहेगा, 5, पीछे क्या आएंगे, 3 0। अगर इसमें अगर हम कोई ऐड कर दें तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जिसका आंसर क्या आएगा, 5,000। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ आ गया है। 6 सम हमारा क्या है, इफ द राउंडिंग ऑफ 341 टू द नियरेस्ट 10 इज 340। हमें क्या पता है, अगर हम 341 को नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करें तो आंसर क्या आएगा, 340। तो उन्होंने क्या पूछा है, राइट ऑल द नंबर्स वाइल राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। उन्होंने क्या, बहुत सारे नंबर लिखो जिनको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने पर विच गिव द फिगर ऑफ 340, वो हमें क्या आंसर दें, 340। रिक्वायर्ड नंबर, हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे 335 है, 5 पे क्या है, आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड होता है, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 5 ने क्या किया, 3 को 4 बना दिया और पीछे वाला डिजिट क्या हो गया, 0। ऐसे ही 336, 337, 338, 339, 340 भी आएगा। 341 क्यों आया, क्योंकि ये 4, अगर हम 4 को सर्कल करेंगे, ये 5 से छोटा है तो 4 की जगह 4 रहेगा। ऐसे ही 342, 343, 344, यहां तक के ये नंबर है, इन सभी का आंसर क्या आएगा, 340। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। बच्चों, आपने इससे रिलेटेड जो सम मिलेंगे उनको अच्छे से करना है। अब ये सम करने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो सम ना समझ आए उसको दोबारा करके देखना है। थैंक यू।